हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजेश अपनी पत्नी शालू के साथ दिल्ली में रहता था। अपनी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से दोनों उनसे मिलने के लिए अपने गाँव जाते हैं, जहाँ ना लाइट होती है और ना ही कोई आराम की चीज। जिस पर उसकी पत्नी शालू बोलती है, हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे जिसे अपनी पत्नी की कोई ही चिंता नहीं है। मैं यहाँ ठंड से मर रही हूँ और ये हैं कि आराम से सो रहे हैं। अभी बताती हूँ इनको। तुम पागल हो क्या? इतनी ठंड में रजाई कौन चीनता है? मैं आपकी रजाई इसलिए खींच रही हूँ ताकि आपकी नींद खुल सके। आप बड़े ही आराम से सो रहे हैं ना। अब रात में सोऊंगा नहीं तो क्या जगराता करूंगा? हाँ, अजीब बात करती हो तुम भी। मैं अजीब बात कर रही हूँ? आप देखिए तो सही, आपने कहा था कि गांव में मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन यहाँ मुझे हर चीज के लिए परेशान होना पड़ता है। यार क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? हाँ, रात में आराम से सोने तक नहीं देती, मुझे तो कोई परेशानी नहीं हो रही। आपको हमेशा गांव में रहना पसंद था, दादी की बीमारी के चक्कर में आपका ये सपना भी पूरा हो गया, तो आपको यहाँ कोई परेशानी क्यों ही होगी? अच्छा ठीक है यार, मान ली तुम्हारी बात। अब बोलो क्या परेशानी है तुम्हें? मुझे अपने कमरे के लिए हीटर चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। क्या कहा तुमने, हीटर चाहिए तुम्हें? अरे रात में कहाँ से लेके आऊंगा हीटर? में आज रात काट लो, कल तुम्हारे लिए हीटर ले आऊंगा। ठीक है, सो जाओ। पक्का ना? आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? हाँ यार ठीक है, ला दूंगा, वादा करता हूँ तुमसे। अब तो सोने दो मुझे, कल ला दूंगा हीटर। राजेश इतना कहकर दूसरी तरफ मुंह करके सो जाता है और शालू भी गुस्से में लेट जाती है, जैसे तैसे करके उसकी रात करती है। अगले दिन सुबह जैसे ही वो अपनी दादी को लेकर घर से बाहर निकलता है, शालू उसे पीछे से आवाज लगाती है, दादी का चेकअप करवाने के बाद मार्केट जाकर मेरे लिए हीटर ले आना। हीटर? अरे क्यों बहू, हीटर का क्या काम है, इतनी अच्छी धूप निकलती है, आराम से धूप देखो। वैसे दादी ठीक कह रही है। आपसे जितना बोला है उतना करिए, मुझे हीटर चाहिए मतलब हीटर चाहिए बस। बहू ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का, तू मेरे पोते से ऐसे बात करती है क्या हमेशा? नहीं दादी, वो तो बस। मुझे कुछ नहीं सुनना है, आज के बाद मेरे पोते से ऐसे बात कभी मत करियो। दादी जी नहीं करूँगी। वही सही होगा तुम्हारे लिए, चलो बेटा वरना देर हो जाएगी। राजेश अपनी दादी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और वापस आते टाइम मार्केट की बहुत सी दुकानों पर हीटर का पता करता है, लेकिन उसे कहीं भी हीटर नहीं मिलता। तभी उसकी दादी बोलती है, बेटा तू भी पक्का जोरू का गुलाम हो गया है, उसने एक बार हीटर लाने के लिए बोला और तू तो पागलों की तरह पूरे मोहल्ले में उसके लिए हीटर ढूंढता फिर रहा है। शायद तू ये भूल रहा है कि ये गांव है, तेरा शहर नहीं, यहाँ हीटर मिलना बड़ा मुश्किल है। दादी अगर हीटर नहीं मिला ना तो वो मुझे बहुत सुनाएगी, वो कभी गांव में रही नहीं ना, इसीलिए उसे यहाँ के तौर तरीके के बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है बेटा, तुझे जो करना है कर, मैं कौन होती हूँ मियाँ बीवी के बारे में बोलने वाली। राजेश के बहुत ढूंढने पर भी उसे हीटर नहीं मिलता, वो परेशान होकर अपनी दादी को लेकर वापस आता है। उसे खाली हाथ देखते ही शालू फिर से राजेश को सुनाने लगती है, मैंने जाते जाते कई बार आपसे कहा था कि मेरे लिए हीटर ले आना, लेकिन आप तो सुनते ही नहीं है और खाली हाथ चले आए। तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, दादी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था इसलिए वापस आ गया। तुम्हें हीटर चाहिए मैं ला के दूंगा, तब तक ना अपना मुंह बंद रखो, समझी? अब कैसे लाएंगे, अब तो आप वापस आ गए। मेरा एक दोस्त है, शायद उसके पास हीटर होगा, मैं उसी से कुछ टाइम के लिए ले आऊंगा और तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? आपको खरीद कर लाना है या किसी से मांग कर, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो बस हीटर चाहिए। शालू की बात सुनकर राजेश गुस्से में घर से बाहर चला जाता है और अपने दोस्त को फोन करके हीटर के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद उसके घर जाकर हीटर लेकर वो अपने घर वापस आता है और शालू को देता है। हीटर देखकर शालू बहुत खुश हो जाती है। अगर ये काम आपने पहले कर दिया होता तो इतना सुनना थोड़ी ना पड़ता। अरे हीटर तो मेरा पोता ले आया, लेकिन तू इसे चलाएगी कैसे, लाइट तो सुबह से आ नहीं रही और पड़ोस वाले बोल रहे थे शायद कुछ दिन आएगी भी नहीं। दादी जी आप ये क्या बोल रही हैं? बिना लाइट के हीटर कैसे चलेगा, मैं तो यहाँ ठंड से ही मर जाऊंगी। अरे मैं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, अब बता तू क्या करेगी इस हीटर का। जाने दो दादी, आप परेशान क्यों हो रही हो, इसका काम है ये जाने, मेरा काम था लाना, मैंने ला दिया, अब इसका इस्तेमाल कैसे हो पाएगा नहीं पाएगा ये जाने, हमें क्या। राजेश और उसकी दादी वहाँ से चले जाते हैं। हीटर मिलने के बाद भी शालू उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती। दिन गुजरते हैं
तभी एक दिन सुबह के समय शालू घूमने के लिए बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर एक मिट्टी से बने घर पर जाती है, जहाँ एक औरत अपने बेटे के साथ जमीन पर एक मिट्टी का घड़ा रखकर बैठी थी और उसका बेटा ठंड से कांप रहा था। आप कैसी माँ हैं? आपका बेटा यहाँ ठंड से कांप रहा है और एक आप हैं कि इसे लेकर जमीन पर बैठी हुई हैं। मेरे बेटे को ठंड नहीं लगेगी, मैंने अपने बेटे के लिए हीटर जला रखा है। मैं शहर से आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग शहर वालों को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं सच बोल रही हूँ, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसके पास थोड़ी देर बैठ कर देखिए। आपका कहने का मतलब क्या है, इस घड़े में हीटर लगा हुआ है? नहीं, मेरे बोलने का मतलब वो नहीं था, लेकिन जितनी गर्माहट आपको अपने बिजली वाले हीटर से मिलेगी उतनी ही हमारे इस अनोखे हीटर से भी मिलेगी, एक बार आप बैठ कर तो देखिए। उस औरत के बार बार कहने पर शालू उनके पास बैठती है और उसे सच में वहाँ गर्माहट महसूस होती है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस गरीब औरत ने ठंड से लड़ने के लिए अनोखा हीटर तैयार कैसे किया। कुछ देर के बाद उसे अपनी दादी की आवाज़ सुनाई देती है और वो तुरंत अपने घर लौट आती है। अरे कहाँ चली गई थी बहू, मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। दादी मेरी नींद खुल गई थी तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर घूम लूं। अच्छी बात है, वैसे भी ये गांव है, यहाँ की सुबह की हवा बहुत अच्छी होती है, तू रोज सुबह घूम लिया कर। हाँ दादी आप सही कह रही हैं, मैं रोज घूमने जाऊंगी। ठीक है, लेकिन अभी जा मेरे लिए चाय बना कर ले आ, मेरे दवाई खाने का समय हो गया है। आप अपने कमरे में चलिए, मैं चाय लेकर आती हूँ दादी। शालू रसोई में चली जाती है और चाय बनाने लगती है। तभी उसके दिमाग में उस गरीब के अनोखे हीटर का ख्याल आता है और वो अपने मन में सोचती है, कल जाकर उस औरत से पूछूंगी कि उसने अपने घर में बिना किसी लागत के अनोखा हीटर कैसे बनाया। अगर मुझे समझ में आया तो मैं भी बना लूंगी, ये उससे वही हीटर खरीद लूंगी, क्योंकि यहाँ तो बिजली से चलने वाला हीटर होना ही बेकार है, क्योंकि यहाँ तो लाइट ही नहीं आती ना। कुछ देर बाद शालू अपनी दादी को चाय देकर घर के कामों में लग जाती है। उसे पूरे घर का काम करते करते रात हो जाती है। रात को वो सभी को खाना खिलाकर आराम से बिस्तर पर बैठती है, लेकिन उसे गांव की ठंड अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। तभी वो अपने कमरे की खिड़की खोलती है और उसकी नजर फिर से उस गरीब औरत पर जाती है, जो कि अपने अनोखे हीटर के आगे बैठकर आग देख रही थी। मैं आपसे पूछना भूल गई थी कि आपने कहा था कि अनोखा हीटर बनाया है। मैंने तो अपने पति से हीटर भी मंगवाया, फिर भी ठंड में तड़प रही हूँ, और एक आप हैं कि जो बिना लकड़ी बिना बिजली के हीटर मजे से जला रही हैं। क्या करूँ बहन, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम हीटर खरीद सके। अगर हम खरीद भी लें तो इसका इस्तेमाल करने पर आने वाला बिल भरने की हिम्मत भी तो नहीं है। तो फिर आपने हीटर बनाया कैसे? मैंने इस हीटर को बनाने के लिए मटके का इस्तेमाल किया है। मिट्टी के बर्तन में कोयले से ही आग बनाकर हम इस हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें लागत भी कम है और फायदा भी ज्यादा है। शालू उस औरत की बात सुनकर हैरान रह जाती है, साथ ही उसकी समझदारी से बहुत खुश होती है, और उस दिन के बाद से वो रोज ही उस औरत के पास आने लगती है। इस तरह से शालू को ठंड से बचने का जरिया भी मिल जाता है और गरीब का अनोखा हीटर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।